नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 1 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च की गई। तो जो पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल है तो इसे पुणे में लॉन्च किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पुणे में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू की है और इसका उद्देश्य है इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराध को रोकना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व स्तर पर टॉप 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला। तो विश्व स्तर पर जो टॉप 300 सहकारी समितियों में जो प्रति व्यक्ति टर्नओवर के आधार पर जो पहला स्थान मिला है तो इफको को पहला स्थान मिला है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में शीर्ष 300 सहकारी समितियों की रिपोर्ट 2021 जारी की गई है और देश की अग्रणी उर्वरक कंपनियों में से एक इफको को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहला स्थान मिला है। जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में दो आंकड़े जारी किए गए हैं, एक है प्रति व्यक्ति टर्नओवर और दूसरा है कुल टर्नओवर। तो प्रति व्यक्ति टर्नओवर में जो पहला स्थान है वो है इफको का और दूसरा स्थान है गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का। कुल टर्नओवर की बात करें तो इसमें पहला स्थान है एग्रीकॉल का और कुल टर्नओवर में जो इफको है इसका यहां पर 72वां स्थान। जो इफको है यह है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और इफको की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इफको ने 2021 में लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी लॉन्च किया और ये दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया है और इसी के साथ भारत नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। भारत सरकार ने इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो लिक्विड यूरिया को मान्यता देकर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया है और इसमें शामिल होने वाला यह एकमात्र नैनो उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है। तो जो FATF है तो इसका जो नया अध्यक्ष है मैक्सिको को चुना गया है, मैक्सिको को घोषित किया गया है नया अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो हाल ही में FATF का अध्यक्ष अगले 2 सालों के लिए मैक्सिको को नियुक्त किया गया है, मैक्सिको की एलिसा डी एंडा मैड्राजो। इन्हें FATF की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका गठन 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में इसका गठन किया गया था और भारत जून 2010 से इस संगठन का सदस्य है। तो FATF का सदस्य भारत कब से है? 2010 से। उद्देश्य क्या है FATF का? आतंकी फंडिंग को रोकना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां लॉन्च किया। तो अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है तो इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन है उद्घाटन किया और जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है। तो जो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 है तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। तो थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ
सी ऑप्शन सही जवाब है। तो आयोजन हुआ है थाईलैंड के पटाया में। बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर आया है चीन, दूसरे पे इंडोनेशिया और तीसरा स्थान है भारत का। जो बीडब्ल्यूएफ फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो है 2024, इसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते हैं कुल, जिसमें 3 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल है। स्वर्ण पदक जो विजेता है सुहास यथिराज, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत। तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है तो इसे शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा मंत्री द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और इन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, मैनेजमेंट स्टडीज, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो इस तरीके से विभिन्न प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे और आईआईटी मद्रास स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू द्वारा की गई है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है और पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू ये पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है और पेरू की राजधानी है लिमा। तो दोस्तों ये हो गए आज 1 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।